तो फिलहाल अब ये थोड़ा सा ही रह रहा है तो इसे बंद कर देते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस फन। सो कैसे सभी, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनटनान भी होंगे। वैसे अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं और अभी जस्ट नहा धो के रेडी हो गए। क्यों रेडी हुए वो नहीं पता, लेकिन आज मतलब आज नहीं कल से बहुत ज्यादा काम चल रहा है घर पे, बहुत ज्यादा काम चल रहा है। और क्या काम चल रहा है, थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह हो रही है, तो हाँ पेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो उसमें ही टाइम लग रहा है, तो आज इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं आज नहीं कल भी हुआ था और परसों भी शायद, हाँ इतने ही ऑलमोस्ट हुआ था, इसलिए आज इतना लेट हो गया। 7 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के, वो भी और जब घर पूरा तैयार हो जाएगा ना, एकदम रेनोवेट हो जाएगा बढ़िया से, तब मैं आपको दिखाऊंगा मस्त है ना, पूरा एकदम टूर देंगे, होम टूर देंगे, लेकिन अभी नहीं दे सकते, अभी काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट। तो हाँ अभी फिलहाल वैसे पूजा हो चुकी है तो मंदिर में दर्शन करते हैं। जय माता दी, है माता रानी, खुश रखना हमें सबको ही खुश रखना। वैसे अभी 7 बज रहे हैं तो देखते हैं आज का आधा दिन हमारा कैसा जाता है, जो भी बचा हुआ है। फिलहाल अभी बाहर चलते कहीं घूम घाम के आते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। फिलहाल पैदल थोड़ा वॉक करते करते घूम के आएंगे, अभी कोई फ्रेंड को कॉल करते फिर ही निकलेंगे कहीं ना कहीं। तो फिर चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। और ना जो मस्त रेनोवेट हुआ ना घर, भाई कितना मस्त खूबसूरत लग रहा है, नजर ना लगे, दिखाऊंगा मैं आपको, सबर करो दिखाऊंगा। होम टूर देंगे पूरा, क्योंकि लोग ना होम टूर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो होम टूर देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब पूरा तैयार हो जाएगा ना तब देंगे, अभी तो कहीं निकलते कहीं ना कहीं। बाहर जाने से पहले हमें एक जिम्मा दे दिया गया है, दूध की रखवाली करना, कि अगर दूध निकल गया तो आपको पता ही है फिर क्या ही हो जाएगा, पिटाई हो जाएगी। तो यहाँ पे दूध की तैयारी हो रही है, करेला बनने के लिए रेडी हो गए, कट कूट के इसे रेडी कर दिया हमने, इसे पूरा काट दिया है, तो मस्त आज कड़वे कड़वे स्वादिष्ट करेले खाएंगे। और ये है दूध, जो कि हमें अभी इसका ख्याल रखना है, फिर हम घूम के आते थोड़ा सा मार्केट में। वैसे देख लो कुछ काम धंधा है नहीं, बस घूमने निकल जाओ कहीं ना कहीं, हम भी इंसान कितने वो है ना कि बोर हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ करने को चाहिए बस, तो हम घूमने जा रहे हैं। बताना आप लोग जब बोर होते ना तो आप लोग क्या क्या करते हैं। मैं तो यही करता हूँ, कभी घूमने चले जाता हूँ या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, या ये दूध वूध देख लेता हूँ, और जो मतलब कि घर के काम रह गए थोड़े बहुत वो निपटा लेता हूँ, अपने काम कर लेता हूँ, बस यही रहता है और क्या ही रहता है। आप बताना आप क्या करते हो। चलो फिलहाल ऑलमोस्ट ये हो चुका है, अभी इसे बंद करते हैं और फटाफट से निकलते हैं। सो गाइस घर से निकलने के बाद हम लोग टहलते 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 आ गए मार्केट में। उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमे, मस्ती मजाक करा, फिर हम लोग फिर से टहलते 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 अपने घर पे वापस आ गए। तो गाइस मार्केट वगैरह से हम लोग आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं रात के 9। इतना मतलब कि आज मार्केट में इतनी शांति थी, मतलब कुछ भी नहीं था, अंधेरा अंधेरा, क्योंकि ठंड आ जाती है ना मार्केट में, तब कोई घूमता ही नहीं है, तो ऐसे ठहल टूल के आ गए हम लोग। फिलहाल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अभी थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो घर में सब इधर उधर हो रखा है, तो वीडियो बनाने के लिए कोई एकदम अभी स्टूडियो में मतलब कि सेटअप भी मेरा रेडी नहीं है, कुछ ऐसी कहीं भी साइड में रखा हुआ है, तो अभी ना कहीं भी कुछ पता होता नहीं कहाँ पे क्या रखा है, तो अब मैं वीडियो ऐसी बना रहा हूँ हाथ में कैमरा लेके। तो मैं ये बताने वाला हूँ ना कि जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की बीबीए की जो थर्ड लिस्ट है आएगी कि नहीं आएगी, अभी जस्ट सेकंड आई है और फीस का मैसेज भी सभी को आएगी ऑलमोस्ट। और उसके बाद जैसा कि अभी भी कई लोग, मैंने इतनी बार बता दिया फिर भी पूछ ही रहे कि फीस के मैसेज के बाद आप क्या होगा, फीस के मैसेज के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा, ये सारी चीज मैंने आपको एक वीडियो में बना रखी है, तो उसमें ना आप लोग सारी चीज देख सकते हो। मैंने एक एक क्या वीडियो, मैंने 3-4 बहुत सारी वीडियो बना रखी है, प्रोसेस भी बता रखा है मैंने आप लोगों को। तो फीस के मैसेज के बाद ना आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही मेल आता है, और भी कोई मेल नहीं आता। उसके बाद फिर आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उसके बाद सारी चीज हो जाएगी, फिर क्या आपको कॉलेज ही आना और कहीं कुछ करना नहीं, कोई भी मेल वेल कुछ भी नहीं। और जिसको रिफंड नहीं हो रहा है वो रिफंड हो जाएगा, रिफंड होने में टाइम लगता है, जैसे फीस भरते हो और फीस भरने के बाद फीस भरती नहीं है, कैंसिल हो जाती है, तो आपका रिफंड थोड़े दिनों में ही आ जाता है। अगर रिफंड आने तक का वेट कर सकते हो तो कर लेना, वरना क्या करना ना आपको मेल करना पड़ेगा जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी को, उसके बाद वो आपको फीस का लिंक दोबारा भेजेंगे, उसके बाद ना आप फीस दोबारा भर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लिंक आपको वो भेज देंगे, फीस की फीस आप भर देना, पे कर देना सेकंड टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम तो आपकी जैसे कैंसिल हो जाती है ना, सबकी नहीं होती, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से कैंसिल हो जाती है, लेकिन ज्यादातर पे ही हो जाती है। मैं उनकी बता रहा हूँ जो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम सभी को बहुत ज्यादा आ रही है। तो हाँ ये बेस्ट सोल्यूशन है कि मेल करना, लिंक सेंड कर देंगे आप लोगों को दोबारा, उसके बाद आप दोबारा पे कर देना फीस को। अब जो मेन बात आती है ना वो ये है कि बीबीए की थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो अभी ना 2 ही लिस्ट आई है बीबीए की, और थर्ड लिस्ट आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, वैसे आएगी, क्योंकि ना अभी सीट बहुत कम है और बच्चे बहुत ज्यादा है, जैसे कि देखा फॉर्म भी इस बार बहुत ज्यादा भरे गए हैं, क्योंकि पिछले साल भी बीबीए में पिछले साल इतने नहीं भरे गए थे, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही बच्चे आए जा रहे हैं, लगता है कि सबने बीबीए ही करना है,
तो बीबीए के इस बार ना काफी ज्यादा स्टूडेंट है जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। तो सीन वगैरह ये है कि अभी जैसा कि मैंने अभी बोला कि सीट कम है और बच्चे ज्यादा है, तो देखो सीट कम होगी तो लिस्ट आएगी वरना नहीं आएगी। और मेरे से सवाल पूछ रहे सभी कि भाई मेरे को बताओ, ऐसी बोल रहे हैं भाई, पता नहीं क्या धमकी सी कि भाई मेरे को बताओ कि कितनी लिस्ट आएगी। भाई प्लीज मेरे से मत पूछो, मेरे को नहीं पता। मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट कब आती है, जब सीट कम होगी तो लिस्ट आएगी। और सीट कब कम होगी वो डिसाइड नहीं होता, जब बच्चे घटते रहेंगे तब लिस्ट आएगी, और बच्चे जब घटते मैं अब तब आपको बता देता हूँ कि लिस्ट कब आएगी। जैसे मैंने बीवी की पहली लिस्ट बताई थी आपको कि इसको आनी है, तो वो आ गई थी। फिर मैंने आपको सेकंड की बताई थी कि 30 से पहले आएगी, लेकिन एक दिन लेट हो गया था, लेकिन आ गई थी। तो जब बच्चे सीट कम होगी तब लिस्ट आएगी, तो फिर मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा जब वीडियो बना दूँ। आपको तो पता है मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो मैं बता दूंगा जब भी आएगी, अभी लेकिन चांसेस नहीं है, जब आएगी मैं बता दूंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल, जैसे कि अभी पहले वाले बच्चों को नहीं आया, जब फर्स्ट लिस्ट आई थी और अब सेकंड लिस्ट आने वाली है, तो सेकंड लिस्ट का सीन ही है कि सेकंड लिस्ट की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल है, तो उनको मेल आएगा, जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा उनको भी मेल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उनको जल्दी आ जाएगा, 5-6 दिन में ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। समझ लो पहले वाली लिस्ट के और सेकंड वाली लिस्ट के दोनों को एक साथ ही आ जाएगा। तो हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल बस अब आने स्टार्ट ही हो गए, तो आपको भी आ जाएगा, सबर करो ठीक है ना, अभी नहीं आया तो आ जाएगा आपको। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वैसे आज का जो व्लॉगिंग करी है मैंने, इतनी मुश्किल व्लॉगिंग आज तक मैंने नहीं करी, मतलब 10 मिनट की वीडियो और इतने देर तक ऐसे कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक करना भाई, है ना, वरना मेरी आज मजबूरी है, वरना तो फिर सेटअप के साथ ही मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मजबूरी है। पूरा रूम वूम सभी जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो भी बिखरा पड़ा है, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इसलिए मैं ऐसे अब क्या ही बताऊँ, अब थोड़ी शांति मिली है ना, मतलब काम हो रहा था तो अब थोड़ी शांति मिली, अब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन देना जरूरी थी कि बीबीए की थर्ड लिस्ट का भी अंदाजा नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि मेल कब आएगा। उसके बाद फीस का भी मैंने सारी चीज बता दी है, कैंसिल वगैरह होती तो क्या करना है, कैंसिल नहीं होती तो क्या करना है, कब पे करनी है, वो भी सारा मैंने टाइम वैम आपको सारा बता दिया। तो सारी कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट लगता है सॉल्व हो ही गई, ठीक है ना, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, पूरे हर चीज़ का सवाल का जवाब हर्ष केम देगा आपको, हर्ष केम आपके साथ है, ठीक है ना। सो फिलहाल अभी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, व्लॉग अच्छा लगे मेरा ऐसे बहुत देर तक ऐसे आज कैमरा पकड़ लिया, तो इसके लिए एक लाइक करना, चैनल पे नए यार जल्दी से सब्सक्राइब करो, और मिलते गए जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा टेक केयर एंड ख्याल रखा करें अपना, तो मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।